नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग है, काफी दिनों से वीडियोस नहीं डाली थी फूड पैकेजिंग जॉब के वजह से, मगर वो भी अभी काम चलता रहेगा साइड बाय साइड, मगर अपने टॉपिक रिलेटेड भी मैं वीडियो डालना शुरू कर देता हूं। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि इंडियन फूड इन दुबई और वेज नॉन वेज, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, मेरे दोस्तों से मिलता हूँ, जब मैं नया था तभी भी और अभी भी काफ़ी लोग दोस्त मुझे यही क्वेश्चन पूछते कि वहाँ पे ऊँट का मटन मिलता है या ऊँट का मटन खाते हो। तो इस तरीके के सवाल मुझे यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों कि तुम लोग ऊँट का दूध पीते हो। मतलब एक सोच बन गई है अपने यहाँ पे, जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे दुबई में सिर्फ ऊँट ही ऊँट है हर तरफ, और काफ़ी सारे नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको बहुत लगता है कि सर वहाँ पे क्या है, मिलता है या नहीं है, या हमको भूखा रहना पड़ेगा। तो आज ही हम लोग सारी बातें क्लियर करेंगे। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो खाना है वो यहाँ पे दुबई में इंडियन फूड अलाउड है, ठीक है, अलाउड नहीं अवेलेबल है, सॉरी। यहाँ पे आप कहाँ पे भी जाओ, दुबई में जाओ, अबूधाबी में जाओ, शारजा में जाओ, आपको हर तरह का फूड यहाँ पे इंडियन मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रेस्टोरेंट में अगर देखा जाए तो एक साउथ इंडियन फ्लेवर रहता है, मतलब कि किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको यहाँ पे डोसा ये सारी चीज़ें सुबह में मिल जाती है, काफ़ी सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, मगर कुछ दिनों बाद आप थोड़ा सा पक जाते हो साउथ इंडियन खाना खा के। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, एक वीडियो में और एक इसका पार्ट बनाऊंगा दूसरा, उस वीडियो में मैं कहाँ पे क्या मिलता है उसमें ये बताऊंगा। जैसे कि अगर आपको एक अच्छी सी बिरयानी खानी है अबूधाबी में तो कहाँ पे मिलेगी, अगर आप स्पाइसी बिरयानी खाते हो खाना चाहते हो कुछ अलग एक, तो मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं ये बस क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको जो भी खाना है आपको मिल जाता है दोस्तों। जैसे कि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है आपके लिए। जैसे मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे चिकन की इतनी सारी वेराइटीज अवेलेबल है दोस्तों, और सस्ती भी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ पे सस्ता मिलता है चिकन, ठीक है। और नॉनवेज लोगों के लिए यहाँ पे वेज लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। अगर अबूधाबी में देखा जाए तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, दुबई में है, शारजा में है, बस आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जैसे ही आप मैप में डाल दोगे कि नॉन वेजिटेरियन होटल इन दुबई, तो आपको काफ़ी सारे आ जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी इंडियन रेस्टोरेंट है उनके इंडियन ही नाम होते हैं, जैसे संगीता हो गया, बावर्ची हो गया, हैदराबादी बाइट्स, यहाँ पे हैदराबादी, अगर अबूधाबी की बात करें तो यहाँ पे हैदराबादी बाइट एक बहुत अच्छा होटल है, वहाँ की बिरयानी बहुत फेमस होती है, मैं खुद फ़ैन हूँ। यहाँ पे एक आपको बताना चाहता हूँ, अबूधाबी में अगर आप कभी आओगे तो यहाँ पे एक बावर्ची नाम का रेस्टोरेंट है जो नजदा स्ट्रीट पे आता है H&M के पीछे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बिरयानी मिलती है। स्पाइसी बिरयानी अगर आपको अच्छी लगती है तो वहाँ पे ज़रूर टेस्ट कीजिए। मतलब इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। बस आपको यही बताना था कि यहाँ पे सारा फूड अवेलेबल है। हाँ, अभी आते वेज पर, काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं ना जो प्योर वेज होते हैं, प्योर वेज मतलब जहाँ पे नॉन वेज खाना बनता है तो वहाँ पे वो खाना पसंद नहीं करते, सही है ना। अगर उस बंदे ने पहले से नहीं खाया तो वो क्यों खाएगा। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अगर अबूधाबी में देखा जाए तो आर्य भवन नाम का एक रेस्टोरेंट है जो प्योर वेज है, ऐसे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट अवेलेबल है। संगीता नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी प्योर वेज खाना मिलता है। इस तरीके से मैं बनाऊंगा एक डिटेल वाला वीडियो, मगर बस मैं आप सबसे ये कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। और ये भी बात अभी मैं बोल देना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हो तो यहाँ की लाइफ जिए, मतलब कि ऐसा ना करें कि बस जॉब घर, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपके एक महीना या दो महीने कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे घूमना शुरू कीजिए, कहाँ पे क्या खाना अच्छा मिलता है, मॉल्स में यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं खाने के लिए, तो एंजॉय कीजिए। कैसा है,
लाइफ एक बार आती है दोस्तों, यहाँ पे आप पैसा तो कमा रहे हो, मतलब पैसा कमा रहे हो, आपकी लाइफ भी वेस्ट हो रही है उसके साथ, तो आपको उस लाइफ को इंजॉय भी करना है, तो मूवी देखना, घूमना, कॉर्निश पे जाइए, यहाँ पे इतने अच्छे बीच बने हैं, मॉल्स में जाइए, घूमिए। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जॉब भी कर रहे हो तो आपको इंजॉय करनी है लाइफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है खाना, टाइम टू टाइम खाना है। मैंने काफ़ी सारे बंदे देखे हैं यहाँ पे आने के बाद, थोड़ा सा वो इंडियन करेंसी काउंट करते हैं और थोड़ा सा उनको यहाँ पे खाना थोड़ा सा महंगा लगता है, मगर ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये नहीं करना है। कभी भी आपने ये दिमाग में नहीं लाना है कि मैं यहाँ पे खाना कम खाऊंगा, डाइट करूंगा, ये नहीं, क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे वीकनेस आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट ये भी बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं जिस इलाके से हूँ इंडिया से, मैं जिस एरिया से हूँ, तो वहाँ पे नॉनवेज रोज़ नहीं खाया जाता है, ठीक है। जैसे कि घर में कब बनता था नॉनवेज, हमारे संडे को बनता था या ऐसे ही किसी इवेंट पे बनता था, और नॉर्मली हम लोग घर पे वेज बनाते हैं, मगर यहाँ पे किस्सा कुछ और है दोस्तों। यहाँ पे आपको रोज़, अगर नॉन वेजिटेरियन हो आप, तो यहाँ पे आपको रोज़ नॉन वेज खाने का दिल करेगा, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि आपको ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा प्रोटीन विटामिन का फूड खाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है खुद का, जैसे कि फ्रूट्स खाने हैं। कभी कभी कैसा होता है, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो बस फोकस करते हैं रोज़ दाल खाओ, वही दाल वही रोटी, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे सारा फूड अवेलेबल है, जैसे कि और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पानी पूरी अवेलेबल है, यहाँ पे ढोकले अवेलेबल है, मतलब जो भी इंडियन का फूड होता है ना, तो पहले मतलब लोगों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी इंडियन फूड है हमारे, जो भी इंडिया में मिलता है वो यहाँ पे सारा अवेलेबल होता है। अगर सब्जियों की भी बात करें तो सारी सब्जियाँ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो बस आपको यही बात कंफर्म करनी थी। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर वहाँ पे वेज अवेलेबल है, प्योर वेज अवेलेबल है, कहाँ पे होती है होटल, ये वो, इस पर एक डिटेल वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा कि कहाँ पे क्या अच्छा मिलेगा आपको, तो आप ट्राई भी कर सकते हो। अगर आप ट्रिप करना चाहते हो दुबई की, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट बहुत रहेगा। इस वीडियो के जरिए से मैंने थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर दिया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना भी मत भूलिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो यहाँ पे नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो दोस्तों, तो पिछले वाले मेरे काफ़ी वीडियोस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाए हैं, प्लीज़ देख लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलो फिर मिलते हैं, इसी तरीके के कुछ वीडियो लेके आएंगे आगे जाकर। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय बाय।